हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवभारती स्टडी सर्किल। प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्थ लेसन के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले टॉपिक की बात की थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जब दो प्लेट्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन चार्जेस कैसा है? अपोजिट है। अगर ए प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो बी प्लेट पर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। उन दोनों के बीच में अगर एयर वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस कितना होगा? ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और यहाँ पर सी जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है वो भी हमने देख लिया था। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया पर। ये क्या है? प्लेट्स का एरिया है। अगर प्लेट्स का एरिया इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के। यहाँ स्मॉल डी क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस है। अगर इस डिस्टेंस को हम कम कर दें तो कैपेसिटेंस को क्या किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला फ्री स्पेस के लिए था। अगर दोनों प्लेट्स फ्री स्पेस में या फिर एयर वैक्यूम में हो तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। लेकिन अगर दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या फिर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया हो तो कैपेसिटेंस कितना आता है? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। यहाँ एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है। बस इन दोनों में इतना सा फर्क है, बाकी सी जो है वो डिपेंड करेगा ए पर और डी पर। आज हम बात करने वाले हैं कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अगर दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस तो हमने देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन फैक्टर की। तो पोलराइजेशन फैक्टर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम इफेक्ट जानेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का दोनों प्लेट्स के बीच में रख देने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर कैपेसिटेंस कैसा होगा, देन पोलराइजेशन फैक्टर जो है वो क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो आगे देखते हैं विद डायग्राम। देखिए यहां हम दो प्लेट्स बनाते हैं, ये प्लेट्स है पॉजिटिवली चार्ज। हमने दोनों प्लेट्स को क्या कर दिया है? चार्ज प्लेट कंसिडर कर लिया है। ये दोनों प्लेट्स जो है वो इक्वली चार्ज है। इक्वली चार्ज का मतलब है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रहेगा और यहाँ माइनस क्यू चार्ज रहेगा। और दोनों ही प्लेट्स क्या है? इक्वल है, सेम साइज एंड शेप की है। वो कैसे भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप की हो सकती है। तो हमने यहाँ पर कैसे ली है? दो प्लेट्स ली है, इक्वल साइज एंड शेप की ली है, और साथ साथ इन पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेम है, बस साइन अलग अलग है। दूसरी बात हम करते हैं कि इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस सिग्मा, एंड माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस सिग्मा से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे दोनों प्लेट्स पर। अब बात करते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। दोनों प्लेट की डिस्टेंस को हम दिखाते हैं स्मॉल डी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि प्लस माइनस इन दोनों कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स हैं ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपेसिटर के कारण उसकी डायरेक्शन ये होगी प्लस से माइनस की तरफ, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई नॉट वैक्टर से। ये ई नॉट वैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के इन दोनों चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हमने कंसिडर कर लिया है ई नॉट वैक्टर। और उसकी डायरेक्शन कैसी है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या कर दें, फिल कर दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके कैपेसिटेंस पर, और पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, ये हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मान लेते हैं इसमें हमने क्या कर दिया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें हमने फिल कर दिया है। अब क्या होगा, जो एटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज्ड होने के बाद में वो किस तरह से अरेंज होंगे, कुछ इस तरह से वो अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर, देन नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से जितने भी इसमें एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होके पोलराइजेशन बना लेंगे। यहाँ पर जो इफेक्ट काम करेगा वो पोलराइजेशन इफेक्ट काम करेगा, और जितने भी एटम्स हैं उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर पोलराइजेशन हो रहा है। तो जिस तरफ
पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन दूसरे एटम का यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, देन पॉजिटिव, और इस साइड क्या है प्लेट का नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों प्लेट्स के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने फिल किया है उसके एटम्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे, देन वो इस तरह से अरेंज्ड हो जाएंगे एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। और अब क्या होगा इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण, क्योंकि यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हो गए हैं तो साथ साथ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। अब किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इसको देखिए किस तरह से इसमें डायरेक्शन बनाएंगे। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके डायरेक्शन ये होगी, जो कि कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई पी से, ई पी वैक्टर। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, समझने वाली बात क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने एक प्लेट ली है दो, और इक्वल साइज एंड शेप में है, स्मॉल डी डिस्टेंस है, और हमने क्या किया है उन दोनों चार्ज प्लेट्स को चार्ज कर दिया है। उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कैपेसिटर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है उसको माना जाएगा। अब ई नॉट वैक्टर को इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। दूसरी बात हमने क्या की कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो फिल किया। इसके लिए क्या होगा कि इन दोनों चार्जेस प्लस एंड माइनस जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के कारण थे, ये जितने भी एटम्स हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के वो पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज्ड होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज्ड हो जाएंगे, माइनस प्लस इस तरह चार्जेस के कारण। अब इन चार्जेस के कारण एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जिसको हम ई पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसके कारण होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, उसको हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप देख चुके हो, ये किसके लिए है, एक सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। फर्स्ट इक्वेशन हमने दे दी इसको। नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं ई पी। तो ई पी जो है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको भी हम क्या लिख देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब ये जो सिग्मा होगा वो किसके कारण होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण जनरेट हुई है। तो ई पी इक्वल्स टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब दूसरी बात क्या आती है कि अगर ई नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ई पी होगा। तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कंप्लीट जो भी कैपेसिटर हमने यहाँ पर लिया है और जो भी सिचुएशन अब है जिसमें क्या होगा, दो फील्ड हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, कौन सा, ई नॉट एंड ई पी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी, ये पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, ये इक्वेशन हो गई सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आ गई थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन डेफिनेशन से भी आती है, डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस होता है, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसके डेफिनेशन से भी हम क्या लिख सकते हैं, एक इक्वेशन लिख सकते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला हम बना रहे हैं। वो फार्मूला बनाने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें निकालना है पोलराइजेशन वैक्टर, और वो जो पोलराइजेशन वैक्टर है वो सिग्मा पी के इक्वल होता है। यानी हमें कैसे भी करके सिग्मा पी के वैल्यू यहाँ से निकालनी है, उसका फार्मूला यहाँ से डिराइव करना है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा इस सिचुएशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक फॉर्मूले में सिग्मा पी आ रहा है, एक और फॉर्मूला जो विदाउट सिग्मा पी आएगा। तो दोनों का जैसे ही हम कंपैरिजन कर देंगे इक्वल रख देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज हैं। इक्वल रखने पर हम सिग्मा पी की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, और यही से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आपको माइंड में क्या रखना है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हम इस तरह से इसको माइनस करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो रिलेटिव परमिटी
विटी और ई नोट के बीच में जो फॉर्मूला होगा दोनों का रेशियो, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर ई नोट का जो ये फॉर्म है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन एप्सिलॉन आर भी आ रहा है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही, फोर्थ इक्वेशन जो है हमारे पास वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है। अब क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करके सिग्मा पी की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब हमें क्या करना है, देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अगर सिग्मा पी की वैल्यू निकालें या फिर अगर अलग से इस तरह से करें कि सिग्मा पी को अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इस तरह से लिख लें और ये क्या आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब इसके आगे देखो क्या करना है, सिग्मा यहाँ से कॉमन आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया एंड 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इसमें बच रहा है और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हमारी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इसके वैल्यू आती है वो कितनी आती है, सिग्मा पी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो इक्वल आ गई दोनों इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। अब क्या होगा, यहाँ से सिग्मा पी की जैसे ही हमने वैल्यू निकाली, या तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर दो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप इस तरफ लेकर आए और इसको इसमें से अपन ने माइनस कर दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर यहाँ पर बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, देन हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये इक्वेशन नंबर हम कंसिडर करेंगे फिफ्थ इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए देखो यहाँ से हमारे पास सिग्मा पी की वैल्यू आ चुकी है और पोलराइजेशन फैक्टर अब हमें निकालना है। पोलराइजेशन फैक्टर में सिग्मा की किस तरह से हम लिखते हैं, देखो पोलराइजेशन फैक्टर को पी से डिनोट करते हैं, ये चाय ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है और ये इक्वल होता है सिग्मा पी के। देखो ये जो चाय ई है वो इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये चाय ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए कि चाय ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी से हम इसको देखते हैं, सिग्मा पी से पी के इक्वल है। अब इन दोनों फार्मूलाज को हम लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हमें क्या करना है, एक जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना है और एक जगह हमें पुट करना है सिग्मा पी का फार्मूला। तो सिग्मा पी का फार्मूला तो हमारे पास कन्फर्म है, यही लिखा जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, थर्ड इक्वेशन में भी है एंड फोर्थ इक्वेशन में भी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यहाँ पर पुट करें, वो वाली बात है। तो क्या करना है, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो इसमें भी सिग्मा पी आ रहा है, तो सिग्मा पी जो है वो कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे क्योंकि सिग्मा पी की वापस हमें वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो चाय ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा पी। सिग्मा पी हमारे पास कितना है, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, चाय ई इक्वल्स टू ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर, ये दोनों कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट वापस इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो इसको एप्सिलॉन नॉट को जैसे ही हमने कॉमन लिया यहाँ पर क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आर माइनस वन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, जो हमने कैसे डिराइव किया है, हमने इसको डिराइव किया है पोलराइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला से।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इफेक्ट जो है वो क्या पड़ता है, पोलराइजेशन जो फैक्टर है वो क्या होता है, और इसके अंदर जो chi e है जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी होती है, तो उसका फॉर्मूला हमने किस तरह से डिराइव किया है। तो आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, इसमें इफेक्ट दिया है किसका, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। जैसे ही हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स लेते हैं और उसमें फिल कर देते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, देन हम देखते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो हमने बात पहले ही कर ली थी, पहले वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले डेरिवेशन में, क्योंकि उसमें जैसे ही हम मीडियम को फिल करते हैं C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, ये फॉर्मूला क्रिएट होकर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर पोलराइजेशन फैक्टर क्या होगा, और वहाँ से हम chi e की फॉर्मूला जो है वो किस तरह से डिराइव करेंगे, और ये किस किस पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला इसका बनकर आता है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है कैपेसिटर के कारण, वो तो है e नॉट, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण जो पोलराइजेशन हुआ, जो चार्ज वहाँ पर प्रोड्यूस हुए, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है ई पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन, सेकंड अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है हमारे पास, माइनस कर लेंगे ई नॉट माइनस ई पी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हमें सिग्मा पी की जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है। दोनों का हमने कंपेयर किया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज का, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज है। जैसे ही हमने कंपेरिजन किया, सिग्मा पी का फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या है, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इसको डायरेक्टली हमें पुट करना है कौन सी इक्वेशन में, पोलराइजेशन फैक्टर की इक्वेशन में। तो पोलराइजेशन जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा पी यहाँ पर रखनी है हमें वैल्यू, और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है जिसके अंदर सिग्मा पी नहीं आ रहा है। तो ये इक्वेशन हमने पुट की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको जस्ट हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये इक्वेशन आती है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है, और इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। और आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी क्या आती है, और फॉर्मूला जो है वो हमने पहले ही निकाल लिया था, ई जो सी है वो डिपेंड करता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ये फॉर्मूला आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।